Hey guys, welcome to Mentometer by Kalpna, Singh, and this is part 2, chapter 3, NCERT Sociology, 11th class. Okay, so isme maine jo bhi isse pehle ka family wagera ke bare mein already describe kar diya kafi acche se, to wo aap dekh sakte ho. And defining some basic concepts, particularly those of family, kinship and marriage. A family is a group of persons directly linked with kin connection. ठीक है, तो उसमें क्या है, किन कनेक्शन का मतलब है ब्लड रिलेशन, तो उसको आप फैमिली बोलते हो. एंड द अडल्ट मेंबर ऑफ विच अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन मेनली, कि मतलब बच्चों की देखभाल वगैरह करना. किनशिप टाइज और द कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश ईदर थ्रू मैरिज, या तो मैरिज के थ्रू आपका कनेक्शन हो और थ्रू लाइन्स ऑफ डिसेंट. अब डिसेंट में क्या है, आपके पापा की तरफ से, अपने नाना नानी की तरफ से आपका जो ब्लड रिलेशन है, फादर सिबलिंग ऑफ स्प्रिंग्स, तो वो सारे जो आएंगे आपके किनशिप में आएंगे, नातेदारी कहते हैं उसको, रिश्तेदारी या फिर नातेदारी. मतलब देखा होगा आपने, जैसे नानी नाना के घर जाना, दादा दादी के घर जाना, आपके कजिन है, आपके चाचा चाची, मामी बुआ फूफा जी, ये सब मतलब आपके जो भी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, तो ये आएंगे आपके किनशिप में. मैरिज कैन बी डिफाइंड एज अ सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल. तो शादी को मेनली सोशियोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है, या हमेशा से बोला जाता है कि शादी एक, आप कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट या सोशल सर्टिफिकेट है, व्हेन टू पीपल आर मीटिंग एंड देन दे आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइफ. सो बच्चे को जन्म देना शादी के बाद, तो दैट इज द लीगल थिंग. ठीक है, बाकी दैट डिपेंड्स ऑन वेस्टर्न सोसाइटी इज डिफरेंट, बट जनरली ये लीगल टर्म बोली जाती है. व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम किन टू वन अनदर, वो एक दूसरे के लिए किन बन जाते हैं. द मैरिज बॉन्ड ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट टुगेदर टू वाइडर रेंज ऑफ पीपल, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अदर ब्लड रिलेशंस बिकम रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर थ्रू मैरिज. मैरिज के थ्रू जितने भी जो भी पार्टनर बनते हैं आप, तो वो सारे कुछ किन में आ जाते हैं, रिश्तेदारी में आ जाते हैं या नातेदारी में आ जाते हैं. द फैमिली ऑफ द बर्थ इज कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एंड द फैमिली विच अ पर्सन इज मैरिड टू कॉल द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. द किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड कंसेंजीनियस किन. तो ये होता है जैसे डायरेक्टली, अब सपोज करो यू आर अ बॉय एंड आपकी जिस लड़की से शादी होती है, तो उसमें एक तो आता है रिलेटेड टू ब्लड, एक तो डायरेक्ट जिस मतलब पर्सन से आपकी शादी हो रही है, तो उसके जो रिलेशंस हैं आपके भी रिलेशंस बन जाएंगे वो, और मतलब आपके रिश्तेदार बन जाएंगे. तो वही पूरा जो रिश्तेदारी आपकी वाइफ की होगी, वही आपकी होगी. और सिमिलरली एंड वाइस वर्सा, इफ यू आर अ फीमेल, और जो लड़के से आपकी शादी होगी और उसके जो रिलेशंस होंगे, दैट विल बी योर रिलेशन आफ्टर मैरिज. मतलब जो भी रिश्तेदार होंगे आपके, तो वो आपकी फैमिली भी बन जाएगी, या किन कह सकते हो आप, दैट इज नातेदारी. As we move on the next section of work or economic institutions, we will notice how the family and economic life are closely interconnected. क्योंकि आपने देखा होगा कि family और जो economic life है वो कैसे interconnected होती है एक दूसरे से. Of course, it is very, very, very much connected, because जितने भी work है, तो वो सारे कुछ जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही आता है. जो भी पैसा आता है फैमिली में, फैमिली को चलाने के लिए मनी जो आती है, वो वर्क से ही आती है. सो अ चिल्ड्रन एंड यंग स्टूडेंट्स, वी इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी विल डू व्हेन वी ग्रू अप. तो वर्क हमारा सिंपल, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक छोटा बच्चा है घर में, 7-8 साल का है. अब आपने देखा होगा ये यंगस्टर है, 13-14 साल का है, उसका क्या वर्क है, क्या करता है वो घर में. कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें करते रहते हैं. सो दैट इज उनका काम अलग है, एडल्ट्स का काम अलग है, जो यंगस्टर्स हैं उनका काम अलग है. सो दिस इज द मोस्ट वाइडली अंडरस्टूड सेंस ऑफ वर्क इन द मॉडर्न टाइम्स. सबका वर्क अलग अलग है, अलग अलग डिवाइड, मदर फादर का अलग है, दादा दादी का अलग है. सो दिस इज फैक्ट. इन एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू, मैनी टाइप ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म
to the idea of paid employment, much of the work done in the informal economy, जैसे कि आपने देखा होगा, is not recorded in any direct way in the official employment, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे काम है जो कि मतलब documented नहीं है. अब जैसे females का work है तो उसको document नहीं किया जाता, housewives का work है उसको document नहीं किया जाता, जबकि वो सबसे ज्यादा बिजी होती है. चाहे अपनी मम्मी को ले लो, अगर वो वर्किंग नहीं है तो उनका काम ले लो, सुबह से उठती है 5 बजे से देखा होगा, और उसके बाद शाम तक जब तक वो सोती है कुछ ना कुछ काम करती रहती है, खाना बनाना है, कपड़े देखना है, घर की साफ सफाई देखना है, चाहे हाउस होल्ड हो तब भी उसके बाद भी टेक केयर करना, आपने खाना खाया नहीं खाया एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, उसके अलावा द टर्म्स इनफॉर्मल इकोनॉमी रिफर्स टू द ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो टर्म है, जो स्फीयर है, जैसे अब कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो तो ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है बट जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सपोज करो स्वेटर बनाया है आपकी मम्मी ने और वो मार्केट में सेल हो रहा है बट किसी और को नहीं पता, या तो आपकी मम्मी को पता होगा या फिर शॉपकीपर को पता होगा जो उनसे खरीदेगा, जो कि मतलब रिटेल वगैरह में, तो हाथ से बनाई करी है, लेकिन जो उनका लेबर था वो उनको मतलब मिल गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई बट वो फॉर्मल नहीं है, रेगुलराइज नहीं है. तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल इकोनॉमिक इन रेफरेंस. उसके अलावा बट ऑल्सो ऑफन इन्वॉल्व द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वी कैन ड्रिंक वॉट वी कैन डिफाइन वर्क वेदर पेड और अनपेड एज द कैरिंग आउट ऑफ द टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल एफोर्ट. तो वर्क को डिफाइन किया गया कि मेंटल और फिजिकल वर्क में, अब यहाँ पे देख रहे हो आप इन पिक्चर्स में दैट इज डिफाइनिंग बाय इटसेल्फ कि यहाँ पे काम कर रहे हैं. अब ये जो जो टोकरी बना रहे हैं तो ये कहीं पे डिफाइन नहीं है बिकॉज ना तो इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है. जो भी फॉरेस्ट वगैरह है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग से ये लेके आते हैं बांस, उसके छोटे छोटे जो बनाते हैं मतलब काट फाट के, और उसके बाद टोकरियां बनाते हैं. अब ये अम्मा है बूढ़ी सी, ये काम कर रही हैं, दबके वाली कढ़ाई मुझे लगता है वही कर रही होंगी. तो इस तरीके का जो काम है तो इनका भी कहीं कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं है तो इसमें पता नहीं चल रहा. बट यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बंदी दोनों मतलब कुछ काम कर रही है कंप्यूटर में, तो मोर ओवर इसी टाइप का होगा, इनकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर. अब ये नारियल पानी वाला या खजूर वाला है शायद, तो ये जो है गुड़ गुड़ बनाने के लिए अपना लेके आ रहा है उसका जो वाटर है, तो अब वो देखे वो कैसे बना रहे हैं. तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क एंड डिविजन ऑफ लेबर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर की थ्योरी हमारे एंडोगैमी ने दी थी, और ये जो है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की चीजें आ जाएंगी है, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हमें इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से. तो एग्रीकल्चरल फार्मिंग इटसेल्फ हैज बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड नाउ, जहाँ पे बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो जो है काफी पैसा कमा रहे हैं, छोटे फार्मर्स को तो इतना नहीं होता बट हाँ वो काफी पैसा कमा के इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं. उसके अलावा इन कंट्री लाइक इंडिया द लार्ज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी इन्वॉल्व इन द रूरल एग्रीकल्चर और द अदर रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन, एंड देर आर अदर टेंट्स इन इंडिया टू फॉर इंस्टेंसेज एंड एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर. तो इंडिया में सर्विस सेक्टर भी है बट जो भी पूरा चंक ऑफ पीपल है दे आर इन्वॉल्व इन द एग्रेरियन इकोनॉमी, आई मीन एग्रेरियन एक्टिविटीज या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का हो गया. वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टरिस्टिक द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाई कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर. क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है मॉडर्न सोसाइटी में. आपने देखा होगा कि एपीओन का काम अलग है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग काम कर रहा है, टेस्टिंग का बंदा अलग काम कर रहा है, और उसके अलावा कंटेंट राइटर अलग काम कर रहा है. उसके अलावा आपने कोई नॉर्मल ऑफिस से मैन्युफैक्चरिंग में देखे होंगे, सपोज एक शर्ट वाली मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मेकिंग है, सिलाई कोई और करता है, कटिंग कोई और करता है, बटन कोई और लगा रहा होता है, जो उसकी काज बनाता है वो कोई और कर रहा होता है, आयरन कोई और कर रहा होता है, पैकिंग कोई और कर रहा होता है. तो दिस इज काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर. ठीक है, पहले नहीं होता था ऐसा कि जो टेलर आपके आसपास होंगे तो वो एक ही बंदा शर्ट पूरी सिलेगा, पूरी कटिंग वही करता है, उसके अलावा उसका जो भी नाप वगैरह वही लेना है, उसी को ही मेजर करके फिर कटिंग कर रहा है, फिर सिलाई कर रहा है, काज भी वही लगा रहा है, बटन भी वही लगा रहा है, आयरन भी वही कर रहा है, और जब आप जाते हो तो आपको पैक करके भी वही बंदा देता है. तो ये पहले होता था, या फिर आपके नॉर्मल जो टेलर वगैरह होते हैं आपके, तो वो ये काम करते हैं.
ठीक है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी नो एग्रीकल्चरल वर्क एंटेल्ड द मास्टरी ऑफ अ क्राफ्ट, क्राफ्ट स्किल्स वर लर्न थ्रू अ लेंथी पीरियड ऑफ apprenticeship and the worker normally carried out all aspects of the product or process for the beginning to the end, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है कि भाई ऐसे ऐसे करके टेलर आपको पूरा अपना बना के शर्ट दे देता है. मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है कि मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो विटनेस द शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम एंड वॉज कम्प्लीटेड collectively by all members of the households. Advances in industrial technology such as machinery operating on electricity and local contributed to the separation of work and home. Factories owned by the capitalist entrepreneurs became the focal point of industrial development. So ye pura jo hai aapne dekha hoga ki mainly modern society mein kya hai ye witness karti hai. शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन चेंज होना, वर्क का चेंज होना, पूरा अर्बनाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, पैसा भी वहीं पे ही है, इलेक्ट्रिसिटी और पूरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वहीं पे ही बन रहा है. गाँव में उस तरीके की चीजें नहीं होती. कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर पूंजी होगी, पैसा होगा, तभी आप फैक्ट्री वगैरह बना पाओगे, तभी आप एक नए जो बिजनेस को फॉर्म कर पाओगे. पीपल सीकिंग जॉब इन फैक्ट्रीज वर ट्रेन्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, जो कि मैंने बताया कि एक काज लगाने वाला काज लगाएगा, बटन लगाने वाला बटन लगाएगा, तो वही स्पेशलाइजेशन है अर्बन एरियाज में. लोकल में ऐसा नहीं है, तो गांव का टेलर या नॉर्मल छोटी मोटी सिटीज का जो टेलर है वो आपका पूरा शर्ट एक ही बंदा बना के देता है. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क एंड रिसीव अ वेज फॉर दिस वर्क. मैनेजर्स सुपरवाइज्ड द वर्क फॉर देयर टास्क, जो कि मैनेजर होता है पूरा पूरा सुपरविजन करता है कि भाई तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, कटिंग ऐसे होगी, तुम पूरा लॉट 20-20 कटिंग एक साथ हो रही है, पूरा लॉट तुम ऐसे लेके जाओगे साइज के हिसाब से, तो ये जो है मास प्रोडक्शन होता है. पीपल सीकिंग जॉब्स इन फैक्ट्रीज वर्क मैनेजर सुपरवाइज दैट. एंड वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इज एन एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन एन immense number of other workers stretching right across the world for the production and services that sustain our lives. With few expectations, we vast majority of the people in modern society do not produce the food they eat. So, modern society mein kya hai, ab dekho किसान खान जो भी चावल उगाता है, गेहूं उगाता है, हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं शहरों में, तो ये चीज उन्होंने करी, बट जो हम खा रहे हैं हम तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना. ऑन द अदर साइड द हाउस दे लिव इन और जो भी मटेरियल है वो बना रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हम नहीं बना रहे. कंज्यूमर और जो मैन्युफैक्चरर है दोनों का अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चीजें चेंज हुई हैं, जो कि पहले हाथ वगैरह से, अब इसमें देख रहे हो हाथ से गिनिंग वगैरह का प्रोसेस है, उसके बाद काटना और ये सारा कुछ हैंडमेड होता था, पूरा हैंडलूम है ये. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो. उसी की दूसरी साइड है कि ये हाथ से कट रहा है, थ्रेशिंग. पहले क्या होता था, हाथ से काटा, फिर उसको पीट रहे हैं, उसके बाद गेहूं निकाल रहे हैं, लेकिन अब थ्रेशिंग मशीन आने लगी है तो सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं. गन्ना पूरा निकल रहा है, पैडी फील्ड्स में भी है थ्रेशिंग ऑफ पैडी इन अ विलेज. तो ये पूरी जो धान होती है वो निकल गई और उसमें से चावल अलग कर लिए जाते हैं, बाद में स्टॉक वगैरह सब अलग कर लिया जाता है. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग असेंबलीज लाइन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स. तो ये भी चेंज हो रही है, जैसे कि पहले हाथ से काटे जाते थे गेहूं, आजकल क्या है हार्वेस्टर आता है, हार्वेस्टर से मतलब 10-15 बीघे एक साथ कट गया, उसमें से आपका जो भी स्टॉक था या भूसा था वो अलग निकल जाता है, आपका गेहूं अलग निकल जाता है, और वो काफी महंगा भी होता है. तो ये सारी चीजें हो गई. प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क होने लगा है कि लोग फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि पूरे पूरे दिन बैठ के वहां खेत नहीं काटना, थोड़ी देर में काम हो जाता है. बट हाँ, ये जो भी लेबर है जिनके पास नहीं है ये सारी चीजें, तो वो अपना पूरा जो काम चला लेते हैं पूरे साल का, अनाज इकट्ठा कर लेते हैं. बट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, जो कि
जिनको काम जल्दी कराना होता है तो अपना हार्वेस्टर मंगाते हैं, अपना पूरा खेत वेत कटवाया और उनका काम जल्दी खत्म हो जाता है। बट उससे काफी सारी चीजों पे भी फर्क पड़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा होगा आपने कि एक टाइम पे तो बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है गाँव वालों को जो भी खेती करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शुगर केन होता है तो वहां पे जो गन्ना वगैरह छीलना होता है तो उसके लिए मिल जाते हैं, बट एक टाइम आता है कि गर्मियों में कोई काम ऐसा होता नहीं, बरसात में कोई काम नहीं होता, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मतलब मजदूरी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये किस तरीके से डिपेंड करता है। सो टू कॉन्सेप्ट आर देयर, एक तो अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो पावर अथॉरिटी में जैसे कि एमपी एमएलएज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, और ए ग्रेड ऑफिसर्स, बी ग्रेड ऑफिसर्स, सी ग्रेड जो एम्प्लॉयर्स हैं, आई मीन पीपल हैं, मतलब वर्कर्स हैं सी ग्रेड और डी ग्रेड। सो पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू कैरी आउट देयर विल इवन when opposed by the others। तो ये डेफिनेशन काफी जब आप पार का चैप्टर पढ़ोगे तो तब ये चीजें यूज करनी है। तो पार का मतलब होता है कि आपके पास सपोज करो एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, आपको पूरे जिले की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, उसमें आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे, आपके जो भी जूनियर्स होंगे, उनसे काम कराना आपका गवर्नमेंट ने आपको ये राइट दिया है, ठीक है। तो वो चाहे चाहे ना चाहे आप उनसे काम करवा के ही रहोगे, आप करवा सकते हो। सो दैट इज कम्स विद, अगर जिस बंदे से काम कराना है वो चाहता हो या ना चाहता हो, बट ये अथॉरिटी है, चाहे वो अपोज करे या ना करे, बट दे हैव यू आर हैविंग द एबिलिटी टू मेक दैट वर्क डन बाय दोज पीपल, सो दैट इज कॉल्ड पावर। अब इट इम्प्लाइज दैट those who hold power do so at the cost of other, there is a fixed amount of power in a society, so a particular amount of society jisme ab dekho jaise limited government ki baat karo, india mein limited government hai ki constitution mein provision hai ki checks and balances hai, judiciary hai, executive hai aur legislature hai, theek hai। to jo bhi legislature aur executive milke jo bhi laws bante hain unko execute karte hain, to judiciary uska check point hoti hai, judiciary check kar sakti hai agar koi bhi law sahi nahi hai to usko unconstitutional declare kiya jata hai, theek hai। तो इसी तरीके से दिस नोशन ऑफ द पावर इज फेयरली इंक्लूसिव एंड एक्सटेंड द फैमिली एल्डरली असाइनमेंट ऑफ द डोमेस्टिक ड्यूटीज टू देयर चिल्ड्रन टू प्रिंसिपल्स ऑफ एनफोर्सिंग डिसिप्लिन इन स्कूल फ्रॉम द जनरल मैनेजर और अ सोशल और अ फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग द एग्जीक्यूटिव टू political leaders regulating programs of their parties, the principals has power to maintain the discipline in the school। तो ये एग्जाम्पल दिए, जैसे आपके प्रिंसिपल हैं, अगर बहुत सारे ऐसे खड़ूस टाइप के और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स होते थे कि वो पूरा जैसे ही वो निकलते थे अपने रूम से तो पूरा सन्नाटा हो जाता था स्कूल में, उसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि पार्टीज में, और मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जब उनकी बात करी जाती है तो लोग बातें सुनते हैं और उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनकी बातें मानते हैं। तो ये होती है पॉलिटिकल पावर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सॉरी, द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी पजेसेस पावर टू एक्सपेल अ मेंबर फ्रॉम द पार्टी। तो अब सपोज करो जैसे किसी पार्टी में से किसी अभी मेंबर को निकाल दिया जाता है, जैसे आई थिंक नुपुर गुप्ता केस था, उसमें पार्टी से निकाल दिया था उनको, तो ये सारा जो भी पनिशमेंट या सस्पेंशन कुछ हुआ था इस टाइप का, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो दैट इज कॉल्ड पावर। पॉलिटिकल एक्टिविटीज और द पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पावर, ठीक है। सो बट हाउ इन दिस पावर अप्लाइड टू अचीव इट्स एम, व्हाई डू पीपल calmly with others and commands, answer to these questions could be found with reference to a related concept of authority, ठीक है। अब पावर कहाँ से आती है? अथॉरिटी से आती है। अब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप आईएएस बन गए, आपके पास अथॉरिटी आ गई कि भाई कि कहीं पे जो है इलीगल एक्सकेवेशन हो रहा है, कहीं पे खुदाई चल रही है, वो इलीगल है, जाके आप चुपचाप जाओगे, फोर्स लेके जाओगे, साफ मना कर दोगे, सब बंद करा दोगे वहां पे, तो
ठीक है, दैट इज अथॉरिटी विच इज पावर इज कमिंग बाय अथॉरिटी, कि आपके पास भाई नोटिस है, लीगल नोटिस है, आप सरकार ने आपको पूरे जिले की रखवाली करने के लिए भेजा है तो आप वो करोगे, दैट इज कमिंग विद मीन अथॉरिटी से ही पावर आती है. सो पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी. अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट, मतलब जायज होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए मेनली, जो कि आपको आपके जो मतलब आपको जो लीगल अथॉरिटी दी गई है दैट इज लेजिटिमेट. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट पावर एंड अथॉरिटी. स्टेटलेस सोसाइटी, अब स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहां पे ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ना जाति हो ना धर्म हो, सब लोग एक जैसे होने चाहिए. नो क्लास, नो बुर्जुआजीज, नो प्रोलिटेरियट, दैट इज काइंड ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी. तो ऐसा बोला जाता था मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स भी इसी टाइप की बातें करते थे कि एक ऐसी सोसाइटी होगी स्टेटलेस सोसाइटी जहां पे सब इक्वल होंगी. बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कभी होगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता. सो एम्पिरिकल स्टडीज ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर ओवर 60 इयर्स एगो डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ ऑर्डर इज मेंटेन्ड विदाउट मॉडर्न गवर्नमेंट एपरेटस, जिसकी वजह से या फिर किसी भी गवर्नमेंट एपरेटस के मतलब एब्सेंस में भी तब भी स्टेटलेस सोसाइटी हो सकती है, चाहे देयर वाज इंस्टीड ऑफ बैलेंस ऑपोजिशन बिटवीन पार्ट्स, क्रॉस कटिंग अलायंसेस बेस्ड ऑन किनशिप, मैरिज एंड रेजिडेंट और राइट्स एंड सेरेमनीज इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द फ्रेंड्स एंड फोर्स. So as well as known, the modern state has a fixed structure and formal procedure, yet are not same of the informal mechanism maintained above the feature of the stateless society present or also in state society. तो आपको मतलब यही क्वेश्चन है कि भाई स्टेटलेस सोसाइटी में आप क्या बिलीव करते हो? ऐसा मतलब नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आप करंट सिनेरियो भी देख रहे हो कि कैपिटलिस्ट आर गेटिंग मोर कैपिटलिस्ट, या फिर उनके पास बहुत पैसा आता जा रहा है, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की रीच से चीजें निकलती जा रही हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं. तो ये सारी चीजें आ रही है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. सो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट के बाद है रिलीजन, after that education and there are three topics. So I am thinking, because I'm shooting the video, it's quite late, it's 3:30 a.m. it's 3:30 ho rahe subah ke. So I'm thinking to take a rest and mera bhi revision ho gaya hai. So concept of the state ye hum karenge third part mein. So ye second part tha और आई थिंक चीजें समझ आई होंगी आपको. तो ये जो रिलीजन वाला एजुकेशन वाला पार्ट है हम थर्ड पार्ट में करेंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और मैं जनरली ऐसा बोलती तो नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, आप देखोगे तो और चार लोगों को बताओगे अगर आपको अच्छा लगेगा, उनको हेल्प होगी. ठीक है, इट इज नॉट लाइक any commercial thing, but it is like helping others. So take care, thank you so much, study hard and do well. Let's pray.